Hello guys, welcome to Girls Republic Live on ARY Musik. Hope you guys are doing well. And today, obviously, आपको पता है जिस हमने I think Monday को हमने कुछ related jokes हमने कोई ऐसा show रखा था और बहुत ही हमें उसके लिए comments भी आए थे. मेरी आवाज खुद की है यहाँ पर and I was just got confused. But anyway, सीधा जो है comments भी हमें आए कि आप अपने जो है वो करें. आप अपने कोई और इसी तरह के related जिस तरह jokes होते हैं हंसी मजाक वाले इस तरह के आपको रखने चाहिए. And I was just thinking कि हाँ मुझे कल ही message आया था अनीका गर्ग. She was like कि कोई poetry related हो जिस तरह शेर और शायरी होती है. और ये आज फिर मेरे director ने भी कहा कि poetry हम कुछ कर लेते हैं आज शेर और शायरी कर लेते हैं. शेर शायरी भी थोड़ी funny होती है. तो anyways हम इसके बारे में deep down बात करेंगे. लेकिन Yeah, I was just uploading a video for you guys. अच्छा, anyways, आपको अगर हमसे बात करनी है तो obviously आप हमें call कर सकते हैं. अगर call नहीं, we'll leave your message on my Facebook page, which is Becks Khan, BECKS space KHAN. और जो हमें call करके शेर और शायरी जो अच्छा शेर सुनाएगा, उसको हम surprise gift देंगे. तो अगर आपको लगता है कि आप जो है जिस तरह उस दिन हमने आई थिंक किया था तो कायनात विनर थी उन्होंने विन किया था उन्होंने अच्छा जो है जोक सुनाया था सो शी बेसिकली वॉन दैट थिंग और अगर आपको लगता है कि आपको जीतना अगर आपको लक आजमानी है तो हमें कॉल करना आई एम जस्ट किडिंग आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके कोई अच्छी सी शेर शायरी सुनाए और हमें अगर लगा कि ये जो है आपने जो सुनाया है ये अच्छी है इट्स लाइक फनी है फनी होनी चाहिए सीरियस नहीं होनी चाहिए इट शुड बी फनी हिलेरियस तो अगर हमें लगा मेरे डायरेक्टर को लगा मेरी टीम को लगा कि अच्छी है तो हम जो है आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे जो कि शो के एंड में बताएंगे कि किसने विन किया है सो प्लीज कीप डालिंग द नंबर्स आप हमें कॉल करें और मैसेज मेरे फेसबुक के पेज पे शेयर शायरी प्लीज मत पोस्ट करें क्योंकि हम जो है उनको गिफ्ट दे रहे हैं जो हमें सिर्फ कॉल करके जो हमें कॉल करके शेर शायरी सुनाएंगे हम उनको देंगे गिफ्ट्स और मैं जो यहाँ पे बैठ के मैं भी यहाँ से फोन में रीड आउट करके आपको शेर शायरी सुनाऊंगी और क्योंकि मुझे खुद तो आती नहीं एक मुझे याद है बहुत ही फनी थी जो कि पता नहीं क्या होता है मैं भूल जाती हूँ वो बहुत ही फनी शायरी थी और मैं बहुत ही बोला करती थी घर में भी मैं अपनी बहनों को बोलती थी और पता नहीं याद नहीं आई थिंक एक दो साल पहले की बात है तो कहाँ से याद आई एक दो साल पहले की बात लेकिन जो है शेर शायरी तो ये होती है आप कभी कोई सीरियस जिस तरह पोइट्री सीरियस मतलब बहुत ही गहरे मीनिंग वाली नहीं होती जिस तरह बहुत ही उसका मीनिंग मतलब बहुत ही डीप मीनिंग होता है जस्ट बिहाइंड दैट पोइट्री तो इसी तरह जो है हम कर रहे हैं जो हर अलग अलग कैटेगरी ऑब्वियसली एक आप चीज देखते हो जिस तरह आप पूरा रेनबो देखो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं या सो इफ यू जस्ट पिक आउट इफ यू टॉक अबाउट क्लोथ्स इज वेल तो क्लोथ्स की भी कैटेगरी डिफरेंट होती है उसमें भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स होते हैं ये नहीं कि सेम ही जीन्स और शर्ट होगा दैट से लेकिन उसमें भी डिफरेंट होता है हर चीज में जिस तरह म्यूजिक होता है जॉनरा डिफरेंट होता है ड्रामा सीरियल होते हैं तो उसके जॉनरस डिफरेंट होते हैं ये नहीं कि बहुत ही रोने धोने वाले चल रहे हैं दैट से नो इट्स नो बेसिकली ऑल दैट हर चीज में डिफरेंट डिफरेंट नई चीजें होती है ऑब्वियसली यार आपको चीज में ये नहीं कि आप एक ही चीज के साथ चिपक के बैठे रहोगे मतलब ये ही पूरा जो है आपका जो है जो पूरी ये स्पेसिफिक थिंग है वही आपकी चीज है एंड ऑल दैट आपको दूसरी चीजें भी ट्राई करनी चाहिए यू शुड ट्राई अदर थिंग्स एज वेल इट्स नॉट लाइक यू जस्ट गॉट टू स्टिक विद दैट सेम थिंग दैट यू हैव बीन यू नो वर्किंग ऑन और व्हाट सो एवर इट्स नॉट लाइक दैट यू गॉट टू You gotta bring some kind of change in your life because what I think is change जो होता है अगर change life में ना हो कोई भी आप पूरा serious mode में चल रहे हो आप एक ही track पे चले जा रहे हो अगर आप let's just for instance आप treadmill पे चलते जा रहे हो एक ही speed पे चलोगे तो you are gonna get tired of it aren't you जो workout करते हैं उनको पता होगा treadmill पे एक ही speed पे आप चल रहे हो तो आपको फिर आप थक के गिर ही जाओगे तो अपनी speed कम करनी पड़ती कभी speed तेज करनी पड़ती तो ये होता है life में आपको हर चीज जो है balance में रखनी चाहिए but anyway we receive the first call of the day hello awaaz nahi aa rahi okay call's been dropped aur mujhe yahan bahut ajeeb si awaaz aa rahi to I couldn't really hear anything so please sort this thing out anyways we were just talking about ki aapko apni life mein jo cheeze balance rakhni chahiye agar cheeze aap ek hi track pe lekar chalte rahoge ab agar dekha hai aapne bol rahi hu if you just look at it right just that bahut sahi mere examples mein mind mein aate rehte hain main aap logo examples deti rehti hu lekin I'm just saying you just got to try every other thing lekin hum yahan baat kar rahe hain sher o shayari ke bare mein agar आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छी शेर व शायरी है हमें शेयर करने के लिए तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं और जिसकी शेर व शायरी बहुत ही फनी होगी तो हम उसको जो है सरप्राइज गिफ्ट देंगे बट फॉर नाउ वी आर गोना बी गोइंग फॉर शो ब्रेक कॉल्स डोंट एनीवेयर ही वाज इन कॉल्स फॉर ब्रेक
Hello guys, welcome back from the Bay. You guys are watching Girls Pop Play on ARY Music, and today we're talking about शेर और शायरी जो करते हैं. शेर और शायरी नहीं होती, शेर और शायरी होती है, नहीं होती, शेर और शायरी हम कर रहे हैं. और उस पर जो है वो जिसने शेर और शायरी अच्छी हमें कॉल करके सुनाई उसको हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे. सो ऑल यू हैव टू डू इज यू कैन कॉल अस एंड शेयर एनी फनी खान पोएट्री विथ अस, जो बहुत ही फनी होनी चाहिए, यानी कि सीरियस हो. आप हमें कॉल करके सुनाएं कोई अच्छी सी और हमें लगा कि हम आपको गिफ्ट दे सकते हैं. इफ यू कैन विन दिस थिंग, तो हम आपको जो है शो के एंड में बताएंगे कि अगर आपने वो गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट जीता है या नहीं. सो ऑल यू हैव टू डू इज डायल द नंबर एंड जस्ट कॉल अस. And whoever's going to be posting poetry on my Facebook page, we're not going to be giving out the surprise gifts because it's for the ones who are going to call us. तो उनको हम जो है surprise gift देंगे. हम Facebook के page पे जो आप लोग लिखेंगे तो उनको I'm really sorry but we can't do that because क्योंकि हमें जो instructions दिए जाते हैं हम वही बोलते हैं. But anyway, शेर और शायरी मैं आपको कोई सुनाती हूँ. आप बोल रहे होंगे कि अभी कोई बैठ के हमें तो शेर और शायरी कोई सुना नहीं. So I'm going to read out a few, जो कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे सेंड किए. It was funny, basically. अच्छा, मैं कौन सी सुनाऊँ यहाँ से? Okay, इजाजत. Right, एक लड़के ने अपने वालिद से पूछा, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब मुझे अम्मी से पूछे बगैर बाहर जाने की इजाजत होगी. बाप ने मजलूमियत से कहा, बेटा इतना बड़ा तो अभी भी नहीं हुआ. ओके, आई डिडंट गेट दैट वन, आई एम रियली सॉरी. मुझे समझ ही नहीं आया. ये तो जोक हो गया. क्या खुद ही शायरी बोला, आपको खुद ही नहीं समझ आए. बट दिस इज जस्ट मी गाइस. अगर आपको लगता है आपको बहुत अच्छी कोई शेर शायरी पता है तो आप हमें कॉल करके बताएं और मैं जो है आपको गिफ्ट दूंगी, जो कि गिफ्ट यहाँ पर नहीं है और सरप्राइज गिफ्ट. तो आपको पता है सरप्राइज गिफ्ट होता है. सरप्राइज गिफ्ट मीनिंग सरप्राइज, सरप्राइज इज दैट. एनीवे, गिफ्ट की जब बात आती है तो मुझे जो है गिफ्ट्स लेने में देने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी सो फार मैंने गिफ्ट जो है नहीं दिया. लेकिन मेरे नेफ्यू की बर्थडे आ रही है, तो उनके मेरे नेफ्यू की नेफ्यू मेरी बहन का जो बेटा है उनकी जो बर्थडे आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं कोई गिफ्ट लूंगी बिकॉज ऑब्वियसली इज माई नेफ्यू, आई हैव टू, तो मुझे देना पड़ेगा. वो मुझसे छोटा तो ऑब्वियसली मुझे देना पड़ेगा. मैं अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटी हूँ, तो मुझे जो है गिफ्ट जो है जो मुझे गिफ्ट मेरे बहन भाई देते हैं तो मुझे ऑब्वियसली आपके जो आप घर में छोटे हो तो आपको गिफ्ट. एनीवे, लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट बिकॉज आई हैव रिसीव्ड द कॉल. हेलो हेलो मैं नौरीन बोल रही हूँ, आयशा बोल रही हूँ कराची से, मलीर कैंट से. आयशा कैसी हो? ओ, आवाज आवाज चली गई, फिर आ रही है, फिर जा रही है, क्या हो रहा है? हेलो. हे आयशा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं. थैंक यू. और आयशा ये बताओ, फर्स्ट टाइम कॉल की है? हाँ बिल्कुल फर्स्ट टाइम. कैसी हो, क्या करती हो, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो? हाँ कॉलेज जाती हूँ. कॉलेज जाती हो, कौन सा कोर्स लिया हुआ है? मेरे बायो. बायो कैसा, अच्छा लगता है या नहीं? बहुत अच्छा लगता, अच्छा लगता है, तभी लिया होगा. आई एम सो डम. एनीवे आयशा ये बताओ कि फाइव टाइम में क्या करती हो? हाँ क्या करती हो, पढ़ती हो? हाँ पढ़ती हूँ. और पढ़ाई जब हो जाती फिर क्या करती हो? बस फिर म्यूजिक सुनती हूँ, फिल्में देखती हूँ और आपका प्रोग्राम देखती हूँ. अच्छा अच्छा आयशा ये बताओ कि हम आज जो कर रहे हैं, हमने ये मंडे आई थी, मंडे ट्यूसडे को हमने वो किया था कि हम जो है लोगों से जोक्स पूछे थे, आप हमें कॉल करके जोक्स सुनाए और उनको जो है फिर हमने विनर को जो है जिसने भी अच्छा जोक हमें सुनाया था हमने उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया था. तो आज भी हम ऐसी करें, लेकिन आज जो है हम थोड़ा बहुत चेंज है बिकॉज ऑब्वियसली हम जोक्स नहीं कर रहे, हम शेर शायरी करें. तो आप ये बताएं कि आपके पास कोई अच्छी कोई शेर शायरी है कोई हमें सुनाने के लिए, कोई फनी हो. हाँ मैं आपको एक जोक सुना देती हूँ. जोक सुना सकते हैं? जोक सुना देती हूँ या फिर मैं आपको एक शायरी सुना देती हूँ? हाँ शायरी, जो पहले शायरी सुना दो. हाँ मैं शायरी सुनाती हूँ. ये है, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब. हाँ दौलत हुस्न पे दरबार बिठा रखा है. ओके ये पूरी कंप्लीट है? हाँ हाँ ये कंप्लीट है.
चलो सही है. ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयुषा. प्लीज डू कॉल अस एवरी डे. तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए. बट एनी वे आई थिंक हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं. Yep, we're going to be going for a short teeny tiny break, guys. So don't go anywhere. Keep watching Girls Republic. Hello, guys. Welcome back from the break. You guys are watching Girls Republic. Today, we're on about funny pottery, joke. हम जो है फायर टाइम में बैठे नहीं, जितना कभी कभार गूगल कर रहे होते हैं और कभी कभार फ्रेंड्स एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं जोक्स एंड शेर और शायरी. अब मुझे ये मैं अभी पूछी थी, शेर और शायरी जो होता है, शेर अलग होता है शायरी अलग होता है, तो हम मैं तो दोनों वर्ड्स मिला के बोल रही हूँ. लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो भी हमें कोई अच्छी और फनी कोई जो हंसने वाली हो ना, जो हिलेरियस व्हाट यू कॉल इट इन अदर वर्ड्स, अगर इस तरह की कोई शेर शायरी अगर हम हमें सुनाएंगे कॉल करके, तो हम आपको जो है सरप्राइज गिफ्ट देंगे जो कि हम शो के एंड में आपको बताएंगे कि कौन विनर है. सो वी रिसीव द कॉल. हेलो अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? सबा बात कर रही हूँ, हफीजाबाद से. सबा कैसी हो? फर्स्ट टाइम कॉल की है राइट? हाँ जी, पहले जब शहरी शॉप पे करती थी तब करती थी, रेगुलर कॉलर थी. अब बहुत देर बाद आई. अब क्या हो गया? अब बस थोड़ा सा मिस हो गया, नहीं सुन पाई. आज सुना तो मैंने कहा चलिए आपसे बात कर रही हूँ. अच्छा हाँ, मुझे याद आ गई हो. अच्छा ये बताओ कि आजकल क्या कर रही हो? आजकल कॉलेज हूँ, बी ए किया है और बी एड की बस सोचो मैं हूँ कब शुरू करूँ. अच्छा सोचो मैं, सोचो सोचो मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपको बाद में बताऊंगी. सबा ये बताओ, हम अभी बैठे हुए लाइव और हम ऑब्वियसली हम जो है आप लोगों से बात कर रहे हैं और हम जो है हम आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई अच्छी शेर शायरी है कोई हमें सुनाने के लिए जो फनी हो, तो जो भी हमें फनी शायरी सुनाएगा उसको हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे. तो आपको लगता है कि आप कोई फनी शेर शायरी सुना सको? एक है तो पता नहीं अब आपको कैसा लगता है. हाँ आप सुनाए, हमारी टीम डिसाइड करेगी कि कौन विनर होगा आज शो पर. ओके ना जाने कौन सा वायरस है तेरी यादों में, जो मैं तुझे सोचती हूँ तो अक्सर हैंग हो जाती हूँ. अच्छा ये तो ये कहाँ से, गूगल की थी या किसी फ्रेंड ने टेक्स्ट किया? नहीं गूगल नहीं की हुई, मेरे पास ये वैसी पड़ी हुई है. एक और भी है पागल, देश हुआ तो मैं चॉकलेट भी किसी को ना दूं, दिल तो दूर की बात है. ऐसे मैंने सर्च की हूँ, मैं गूगल से सर्च नहीं की है. अच्छा अच्छा चलो सही है. थैंक यू सो मच कॉलिंग. सब हम शो के एंड में बताएंगे कि कौन विनर है आज शो का. सो इफ यू वांट टू शेयर एनी पोएट्री विद अस, इफ यू वांट टू शेयर एनी कोई अगर आपको शेयर करनी है हमारे साथ शेयर शायरी, तो आप शेयर कर सकते हैं. जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं फेसबुक पे मैं वो रीड आउट कर दूंगी, लेकिन जो है उनको सरप्राइज गिफ्ट नहीं मिलेगा. आखिर पर फिर मसाफ ही बनाता हूँ, आई को फिर मसाफ स्टिल आई हैव टू बिकॉज दिस इज वर्क एंड आई गॉट टू डू इट राइट. जो हमें कर रहे हैं मैसेजेस फेसबुक पे शेयर शायरी, उनको हम गिफ्ट नहीं दे सकते. आई शो कैन रीड योर मैसेज आउट हियर इफ इट्स रिलेटेड टू द शो, आई वुड हैपली डू सो. ओके आई हैव रिसीव्ड वन शेयर ओके राइट. उन्होंने कोई पश्तो में भेजी है और जो मुझे अब अगर आप इसका मीनिंग मुझे यहाँ टेक्स्ट कर दें तो मैं ये रीड आउट कर दूंगी. पहले हमें मीनिंग पता हो तो हम ये रीड आउट करेंगे. मारिया ने भेजी है तो यहाँ पठान ये तो वो है ना, ये उनको समझ आएगी जिनको पश्तो आती है. तो मुझे तो इतनी समझ नहीं आती है, मुझे तो आती भी नहीं है. तो आई कांट रियली यू नो, यू हैव टू सेंड मी द मीनिंग. इसके पहले आप मुझे मीनिंग सेंड करो तो फिर मैं इसको रीड आउट करूंगी. बट गाइस वी आर गोना बी गोइंग फॉर शो बाय टू मिनी वेयर ही वाचिंग गर्ल्स फॉर बैक. हेलो गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं गर्ल्स रिपब्लिक और जो है हम यहाँ पे बैठे हुए शेर शायरी शेयर कर रहे हैं. और मैं जब अभी गूगल कर रही थी तो मेरे सामने बस एक सीरियस वाला है लेकिन है तो फनी, और उसको हमने पूरा रीमेक कर दिया हमारी पूरी टीम ने और बहुत ही फनी हो गया. आई डोंट नो आई कांट शेयर इट हियर बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू, बट एनीवे दैट वाज फनी. लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भी हमें कॉल करके अच्छी शेर सुनाएगा उसको अच्छी उसको जो है हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे. और जो है लास्ट लिंक में हम बताएंगे कि किसको जो है हमने गिफ्ट दिया है. एनीवेज हेलो हमारे पास कॉल है. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहा है? शांज बात कर रही हूँ लाहौर से. शांज
जी शानजा, ये वही हो जो पहले भी कॉल आई थी. यस आई रिमेम्बर. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ भी नहीं, स्टडी स्टडी हो रही है. 3 months रह गए पेपर में. ओह भाई, तो कैसी प्रेप है, प्रिपरेशन कैसी है? अच्छी, अभी तो अच्छी है. अभी तक अच्छी है. तो जब एग्जाम्स आ रहे, जब एग्जाम नेक्स्ट डे होगा तब क्या और होगा? ओह माय गॉड, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है. हाँ चलो, इंशाल्लाह विश यू वेरी गुड लुक फॉर दैट. शान से ये बताओ कि कोई अच्छी शेर व शायरी आती है जो फनी हो? मैं आपके लिए फराज नामा लाई हूँ, छोटी सी गजल लाई हूँ. अच्छा चलो सुना दो. फीको चलो फराज, अब मौसम का मजा चखे, तमाम दुआएं बच्चों की पहुँच से दूर रखे. हमें बेवफा कहते हैं तो कहते रहे फराज, अम्मा कहती है जो कहता है वो खुद होता है. ये तो क्या सफेद कुर्ते में फिर रहा है फराज, आज काला जोड़ा पा सारी फरमाइश थे. हम भी बिकने गए थे बाजारे मोहब्बत में फराज, क्या पता था 8 बजे सारे बाजार ही बंद हो जाते हैं. हम तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं फराज, इससे मुश्किल क्या दो ही तो होते हैं. फराज तुम्हारे जाने से दिल बहुत रोता है, ऊपर पंखा चलता है नीचे मुन्ना सोता है. Brilliant! Oh my God, that was hilarious! Wow! I think बहुत ही शानदार अच्छी सुनाई. ये कहाँ से गूगल की है या आप बैठी हुई खुद ही कहीं से आपने सुन लिया? मेरी मदर जो है ना, वो बहुत ही शायरी को पसंद करती है. वो लिखती रहती है ऐसे फनी से भी और थोड़े से सीरियस वाले भी लिखती रहती है. अच्छा. Okay, that's great. But thank you so much for calling, Shanza. It was nice talking to you. Or I think हमारी last segment है, हमारा last link है. तो इसमें हम बताएंगे कि विनर कौन है, और जो है हम शो खत्म होने से पहले हम बताएंगे कि कौन विनर है. लेकिन जो है मैं मैसेजेस अब आप लोग जो है मुझे मैसेजेस करेंगे जो शो के रिलेटेड होंगे तो मैं रीड आउट कर सकती हूँ. लेकिन जो आप लोग मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं वो आई एम रियली अप्रिशिएटेड, एंड आई जस्ट कांट थैंक इनफ फॉर ऑल द लव दैट आई एम गेटिंग लेटली. एंड इट्स जस्ट, इट्स सो अमेजिंग. एंड देन यू नो, इट्स जस्ट makes you want to work even harder than how you're working at the moment. It's like, just thank you so much for all the love and support. That's what I keep saying all the time. So basically, right, okay, I'm just checking if you guys have messaged me. Okay, मुझे एक उन्होंने funny भेजा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, जो भी मुझे message करके भेजेंगे उनको हम surprise gift नहीं दे सकते. So don't think कि हम दे रहे हैं surprise gift जो कि हमें message कर रहे हैं, लेकिन जो call करके हमें बता रहे हैं उनको हम दे रहे हैं gift. बजीरा सहर ने हमें message किया है. Okay, अच्छा ये तो मैंने सुना हुआ है. आई थिंक ये किसने सुनाया था? आई थिंक ये अयाज ने, जो वीजे अयाज हैं उन्होंने जो है इसको बहुत ही रीमेक इतने बना दिए हैं कि ये तो बहुत ही इसके बहुत रीमेक बने हुए. एनी आई एम जस्ट गोना रीड, आई एम गोना रीड दिस आउट. डब्बे में डब्बा, डब्बे में जूस, मेरी सहेली बहुत कंजूस. प्लीज रीड दिस एंड आई जस्ट डे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस गाइस, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल. और एक और भी मुझे आया हुआ है मारिया रियाज का, मैंने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझ के, तुमने मुझे फेंक दिया नस्वार समझ के. प्लीज दिस आउट इज वेरी फनी. ऑलराइट, बट थैंक यू सो मच फॉर मैसेजेस, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग अस गाइस. और जो आज के विनर हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि सस्पेंस नहीं होता, लेकिन एनीवेज आज के जो हमारे विनर हैं वो शानज़ हैं. बट थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमें कॉल करके सारे हमें पोइट्री सुनाई. इट वॉज रियली नॉइस इंटरेक्टिंग विथ यू ऑल. बहुत ही शानज़ ने फनी सुनाई थी, दैट कुडन्ट स्टॉप लाफिंग. बट एनीवेज यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी कुड बी लाइव टुमारो एज वेल, टुमारो थर्सडे ऑब्वियसली, इंशाल्लाह वी विल बी लाइव हियर. सो यू कैन लीव योर फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज बेक्स खान, एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ. यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू लेटर. बाय बाय.